जो कि आज जो है एक साल का हो चुका है पूरे। आज इसकी बर्थडे थी तो मैंने सोचा डर लग रहा है, वैसे तो बड़ा बहादुर बन के आगे जाते हो। चलो रोकी जाओ, बड़ी पुरानी बचपन की दोस्त है, इसकी बड़े दिन बाद आयरा से मुलाकात होती है तो सदी की वजह से इसे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब फिट फाट होंगे। आज मैं अपने टाइगर रॉकी को आउटिंग कराने के लिए निकला था। बहुत दिनों से तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए थे मैंने इसको बाहर नहीं निकाला, क्योंकि पाकिस्तान में या लाहौर में ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। दिसंबर के मौसम में ना इसको मैं बड़ी एहतियात कर रहा था, तो आज थोड़ी धूप निकली तो मैं कहा चलो इसको बाहर निकालता हूँ, आज इसको आउटिंग पर लेके जाता हूँ। क्योंकि ये मैंने टाइगर, जैसा कि आप सबको पता है, इसको मैंने घर पर रखा हुआ है, तो क्योंकि ये इसको मैंने टेम करना होता है, इसको मैंने टाइम देना होता है। अगर मैं फार्म पे रखूंगा तो मैं इसको टेम नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरी मजबूरी है इसको मैंने घर पे रखे। मैं अपना एक शौक भी पूरा करता हूँ, इसको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे के इसको टेम भी करता हूँ। तो अब आपको मैं ऐसे मिलवाता हूँ रोकी से। इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बांध दिया हुआ है, क्योंकि लाते हुए मैं आपको व्लॉग नहीं था दिखा सकता, क्योंकि बड़ा मिशन होता है इसको लेके आना, ये तंग बड़ा करता रहता है। मैं आपको ज़रूर गाड़ी में भी बिठाते हुए की वीडियो दिखाता और इसको केज में डालते कि भी वीडियो दिखाता, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैंने कहा कि चलो तसल्ली से पहले मैं इसको अपनी जगह पे बांध दूँ, फिर आपको इसको इसकी मुलाकात करवाता हूँ आपसे। तो अब मैं इसके पास आ चुका हूँ। रॉकी 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 जो है ना लेटता बहुत है, एक तो मेरे आगे क्या करना है। रॉकी रॉकी रॉके क्या हो गया? आपको एक और बताता चलूँ, जो कि आज जो है एक साल का हो चुका है पूरे। आज इसकी बर्थडे थी तो मैंने सोचा इसको बर्थडे वाले दिन इसको मैंने घर पे बोर नहीं करना, इसको आज मैंने आउटिंग करवानी है। तो आज ये पूरे एक साल का हो चुका है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये एक साल का टाइगर के उसका क्या साइज़ होता है, तो अब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि एक साल का टाइगर इतने साइज़ का होता है, आपको समझने में ईजी होगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया आज इसकी बर्थडे थी तो इसलिए मैं इसको आउटिंग करवानी थी। अभी तो मैंने बांधा है, मैं आपको बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको खोलता हूँ, इसको मैं फार्म पे घुमाता हूँ, इसको ज़रा प्रॉपर इसकी आउटिंग करवाता हूँ ताकि ये भी इंजॉय करे और मेरे देखने वाले भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूँ। तो खोलता हूँ, तो सबसे पहले तो इसकी आउटिंग करवाते हैं। बल्कि आउटिंग करने से पहले मैं अपना जो इसको इसके लिए मैंने स्टिक रखी होती है ये पकड़ लूँ, ये मैं मारता तो नहीं हूँ इसको, लेकिन इसको डराने के लिए मैंने ये स्टिक का यूज़ करता हूँ, ताकि इसको पता हो कि अगर मैं कोई गलती करूँगा तो मुझे थोड़ी सी स्टिक पड़ सकती है। वैसे तो मैं इसे बड़ा प्यार करता हूँ, मेरा दिल नहीं करता मारने को, लेकिन थोड़ी सी जब ये शरारतें करता हूँ मैं हल्का सा इसको मारता हूँ, ताकि ये जो है ना अपनी उल्टी हरकतों से मेरे साथ बाज रहे। तो मैं खोलता हूँ इसको, ये देखे कितना तड़प रहा है खुलने के लिए। तो बेटा खोल लो, मैं टेंशन ना लो, अभी खोलता हूँ तुम्हें। चलो आ जाओ खोलूँ, बस मुझे तंग ना करना खोलते वक्त। चलो रोकी आ जाओ, तंग नहीं करना। ये देखें ऐसे मैं हल्का सा लाइट सा स्टिक का यूज़ करता हूँ। बड़े लोग कहते हैं कि मैं टाइगर पे जुल्म करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ इनको डराने के लिए रखा हुआ है मैंने। चलो रोकी आउटिंग पे चलें। ये देखिए जी कितने आराम से वॉक कर रहा है, ये इस दरख्त को लाजमी आके हक करता है। ये पता नहीं इसको ऊपर क्या नज़र आता है, ये लाजमी आता है और ऊपर हक करता है दरख्त को। ओके इधर से क्या नजर आता है यार तुम्हें? क्योंकि दरख्त को खाना चाह रहा है। ओके हेलो हेलो रॉकी रॉकी को जी, ये टाइगर की मैं एक और आपको फितरत बताता चलूँ, ये लकड़ी के साथ बहुत ज़्यादा खेलती हैं, तो इसी वजह से ये इसको हक कर रहा है, ये अपने नाखून तेज़ कर रहा है। इनका ये अपने जो है ना पंजे तेज़ करने का एक तरीका है। ये हम लोग समझते हैं कि दरख्त को बाइट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये अपने जो है ना नेल्स को तेज़ कर रहा है उसमें अंदर घुसा के, ये आप देख सकते हैं। चलो रॉकी बहुत तेज़ कर लिया अपने नेल्स, अब चलते हैं। चलो रॉकी ने जी तेज़ कर लिया अपने नेल्स। रॉकी दोबारा करने हैं, दोबारा करना चाह रहा जी। रॉकी इतने तेज़ ना करना कि मुझे नुकसान पहुंचाओ, बस लिमिटेड से तेज़ करो अपने नेल्स। चलो रॉकी आ जाओ, ज़्यादा तेज़ नहीं करने के, तो बाद में मुझे ही तुम मारो नाखून, इसलिए थोड़ा सा तेज़ करो और आ जाओ। चले आगे, चलो आ जाओ रॉकी, तंग ना करो, अपनी बर्थडे इंजॉय करो, ओपन रूम पे आज बड़े दिन बाद बाहर निकले हो ना। रॉकी ना उधर नहीं जाना,
रोकी जी, अब ये जानवर है, ये तो नहीं इंसानों की इतना बर्थडे इंजॉय कर सकता, केक वगैरह तो नहीं ये काट सकता, क्योंकि ये जानवर है, जानवर को यही खुशी दे सकते हैं हम कि इसको ओपन घुमाएं, इसको वॉक करवाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, यही इसके लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज इसकी बर्थडे है तो इसलिए ज़रूरी है फिर इसको वॉक। चलो रॉकी, तो ये आप देख सकते हैं इस टाइगर को मैंने कितना टेम किया हुआ है। तो जो मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, अगर कोई उनकी नज़र में इससे टेम टाइगर है तो उसका मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरी नज़र में इससे टेम टाइगर पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, वो इस तरह वॉक करता हो बिल्कुल इजीली चेन में। रॉकी कह रहा था कि इससे टेम टाइगर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, और वो टेम इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और मुझे प्यार बहुत है टाइगर से, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम दिया और इसको टेम किया। अब रिज़ल्ट आज एक साल का हो गया और आज का दिन रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं आपको भी मशवरा दूंगा, अगर आप में से कोई टाइगर या लाइन रखता है उसको टेम करने का यही तरीका है। वो लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा तरीके पूछ रहे हैं जी क्या तरीका है कि टेम करें, ये सबसे ख़ास तरीका है कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपका बेशक आपका डॉग भी होगा वो आपके साथ अटैच नहीं होगा। तो हर चीज़ ये भी जानदार चीज़ है तो ये टाइम मांगते हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी टाइम देंगे तो आप ये बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच होगा और टेम हो जाएगा। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा अभी तक मैंने एक बार भी इसको स्टिक का यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इसको ज़रा भी मारता नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ी गलती करें तो हल्का सा ऐसे मैं इसको स्टिक का यूज़ करता हूँ। ये देखिए जी आयरा के पास आ चुका है, आयरा को जो है ना इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आयरा यहाँ पे रहती है, तो इसलिए आयरा को इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है कि मेरी जगह पे क्यों आए हो। अब आयरा का बस नहीं चल रहा कि भाई निकल के आके इसके साथ खेले या फिर इस पर अटैक करे। चलो रॉकी आ जाओ। आयरा जी इसकी बड़ी पुरानी बचपन की दोस्त है, इसकी बड़े दिन बाद आयरा से मुलाकात होती है, तो सर्दी की वजह से इससे मुलाकात बहुत कम हो रही थी। चलो इस सर्दी तो वो मैं आपको बता रहा था, मेरी बात बीच में रह गई क्योंकि ये उसके आयरा के पास पहुंच गया था तो मैं आपको सही तरह से बता नहीं सका। मैं आपको ये बता रहा था कि ये अब स्टिक मैंने कब से पकड़ी हुई है, लेकिन मैं स्टिक का इस्तेमाल इस पर बहुत कम करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा भी अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो हल्का सा इसको ऐसे पुश करता हूँ ताकि इसको पता हो कि मेरे मार पड़ेगी थोड़ी सी लेकिन ज़्यादा मैं नहीं इसको मारता क्योंकि मेरा ये बड़ा लाडला टाइगर है, तो मेरे अपना दिल ही चाहता है इसको कोई ज़ोर से स्टिक लगे। अभी ये देखिए जी ये जब आता फार्म पे, ओहो क्यों डर गए हो, तो जब ये आता फार्म पे इसकी कोशिश होती है कि सबके साथ मुलाकात की जाए, तो ये बारी बारी जाता है सब लाइंस के साथ मुलाकात करता है। अब ये मुफासा के साथ आ गया, इससे मुलाकात करना है। अब जाहिर सी बात है जो टाइगर है वो लाइन है, तो ये डरते तो हैं आपस में लेकिन मुलाकात ये लाजमी करता है। क्या हुआ आगे भी जाना, आज डर लग रहा है, वैसे तो बड़ा बहादुर बन के आगे जाते हो। चलो रोकी जाओ जाओ आगे जाओ, आज डर रहे हो तुम। चलो ये जी रोकी हिम्मत करके, मेरे कहने पर हिम्मत करके आगे चला गया, लेकिन अभी एकदम से डर जाएगा, ये देखना मैं इसको पीछे से डराता हूँ। नहीं डरा अभी, जितना ये डरता उतना नहीं डरा, लेकिन डरता जरूर है ये। रोके कोई लड़ना नहीं है अभी, ये देखिए जी कितने क्लोज आ चुके हुए हैं, ये एक दूसरे को पहचान रहे हैं। रोकी जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सबके साथ मुलाकात करने आता है, तो ये से अब मुफासा से अभी मुलाकात आज के दिन की पहली मुलाकात है। चलो रोकी कल ही मुलाकात, चलो आ जाओ चले। चलो देखा आपने, देखा रोकी मेरा कितना कहना मानता है, मैंने इसको एक बार कहा कि चलो चले, फिर ये वापस मुड़ गया कि चलो जी अब जाना है। चलो रोकी आ जाओ, रोकी नो ये देखो अब मुफासा मस्ती के चक्कर में आते, रोकी भी अब चाह रहा है कि उसके साथ मस्ती करो उसके साथ खेले, लेकिन मैं अब इसको लेके जाना वापस दूसरी साइड पे, तो इसलिए मैं इसको रोकी को खींच रहा हूँ, लेकिन रोकी देखे आना नहीं चाह रहा। इस टाइगर में इतना जोर है कि अगर ये चाहे तो मुझे साथ लेके जा सकता है, लेकिन ये इतना टेम है कि ये इस तरह की हरकत नहीं करता कोई भी। चलो आ जाओ रोकी, तो मैं एक बार कहता हूँ तो ये मेरे साथ चल पड़ता है। तो जी देखा अपने टाइगर ने कैसे फार्म पे वॉक किया और अपने पुराने साथियों से मिला ये, तो अब मैं इसको फिर कुछ दिन बाद लेके आऊँगा फार्म पे और आपसे भी इसकी मुलाकात करवाऊँगा,
तो इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।